22 साल बाद गदर 2 जब दोबारा आई तो आपको जब शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले धूम मचाई इस बार भी ये धूम मचाएगी, आप ही बताइए। लग रहा था तभी तो बनाई थी, पहले से लग रहा था। गदर का इतना प्यार है, गदर लोगों के दिलों में इस तरह से बसी हुई है कि पूरी उम्मीद थी कि दोबारा भी गदर गदर मचाएगी, क्योंकि गदर मेरी नहीं, पब्लिक की फिल्म है, आपकी फिल्म है, सबकी अंदर पब्लिक का एक डीएनए है गदर, उसको विकसित होना ही था, उसको तहलका मचा रही थी। और ये खुद चलते फिरते गदर है, और ये खुद चलते फिरते गदर है। मैम क्या कहना है आपका, जब आपने स्टारकास्ट प्ले किया तो क्या कहना है, फिल्म कैसी है? फिल्म कैसी है ये तो जनता ने बताई दिया, फिल्म कैसी है 300 करोड़ के ऊपर कर गई है, 400 होने वाला है। हाँ 400 होने वाला है, तो और तो कुछ नहीं बोलना, जनता ने इतना प्यार दे दिया, हमने सिर्फ गदर बनाई थी, आप सबने गदर मचा दी है बस। सर आपको कैसा लग रहा है जब आप यहाँ पे कास्ट कर रहे थे, आपने जब यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे तो आपको कितना लग रहा था कि कितना ढांसू रोल आपका होने वाला है? सर बहुत ज़्यादा ढांसू, पहले से पता था, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधा मैंने कहा सर मुझे ये रोल करना ही है, और ये अंदर की बात थी, लेकिन वो अंदर की बात उन्होंने सुन ली मेरे मन की बात, ये पक्का था, ये तय था, लेकिन ये इतना बड़ा हो जाएगा ये सच में मैंने नहीं सोचा। गॉड ब्लेस, ये आप सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है जनता का, इतना प्यार कर रहा है। क्या मैसेज देंगे सर आप जो यहाँ पर आपको दर्शक देख रहे हैं उनसे, और क्या अपील करेंगे आप? जी मैं बस कहता हूँ कि जो हिट हुई है इतनी बड़ी, वो हम सब कलाकारों, हम सब टेक्नीशियंस, हम सब आर्टिस्ट के वजह से हिट हुई है, और बहुत सारे परिवार से भी हमारे जुड़े लोग हैं, जैसे मैम है, वो हमारे से गदर 2 के क्या मेरे पहली फिल्म के पहले से जुड़ी हुई है, तो ऐसे बहुत सारे प्यारे लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड बूंद बूंद से सागर बनता है, और उनकी बूंदों से आज ये गदर की सुनामी आई। जी जो जनता ने प्यार दिया है वो प्यार हमारे लिए अपार है, और उससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट एक कलाकार को और कुछ नहीं चाहिए, पैसे नाम शोहरत ये सब तो होता रहता है, जो प्यार है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है। और मैं ये कहना चाहूँगा आज जो गदर का जो सब हो रहा है, सुरक्षा जी और जवाहर जी और इनके पूरे परिवार ने, जो हमारे सेंट्रल के सॉल्टी ने जो हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपना है, धन्यवाद भी नहीं देता हूँ, धन्यवाद तो अपने ही है, धन्यवाद देता नहीं, लेकिन इस खुशी में ये मेरी शामिल हुए, अब मेरी खुशी नहीं बल्कि मैं ये हम इनकी खुशी में शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम आपका क्या कहना है, किस तरीके से आपने जो कपड़े पहनाए स्टार कास्ट को, बहुत बड़ी फिल्म 400 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्म के कपड़े मेरे लिए थे, अनिल जी ने मेरे हस्बैंड ने बहुत विश्वास किया था, ही बिलीव इन हिम एंड इट हैपेंड, इट वाज अ ग्रेट क्रिएशन एंड द क्रेडिट गोज टू हिम। क्या होता है 100 सितारे होते हैं और उनमें से आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सितारा चमकेगा, एंड ही हैज आई फॉर दैट, ही हैज आई फॉर दैट एंड आई दैट इज ओनली हिज लव, आई एम हियर एंड नथिंग एल्स, एंड माय हस्बैंड ग्रेटली बिलीव इन हिम। आपके द्वारा मैं तो कभी नाराजगी पैदा कर ही देती हूँ, औरत हूँ, बट माय हस्बैंड रियली बिलीव, आई लव जो संस्कार उसके जो उस बच्चे के संस्कार है, दैट इज अमेजिंग, वी आर ओल्ड पीपल सो वी लुक एट दैट एंड दे आर ग्रेट एक्टर्स, 45 मिनट जो उस बच्चे ने पकड़ी रखी होगी दैट इज ग्रेट, एंड सर जो बोल रहे थे ऐसे लगता है अमरीश सर निकल के ना किसी और ग्रुप में आ गए, एंड इट इज रियली ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एंड द गर्ल द इनोसेंट जो सर इनमें से निकाल पाए, इट वॉज रियली ग्रेट, इट वॉज हार्ट टचिंग। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ एंड आई रियली प्रे लॉट मैनी सक्सेस कम टूगेदर, लॉट मैनी सक्सेस। मैम आपने कहा कि आपने गदर के कपड़े नहीं किए, बट हमने जो प्रमोशंस में जो भी कपड़े पहने हैं इनके ही कपड़े हैं, और मुझसे ज़्यादा मेरे कपड़ों की तारीफ हुई है, तो ऑल थैंक्स टू।
मैम क्या लग रहा है जो आपने डिलीशियस बनाई वो आने वाले टाइम में जो युवा लड़कियाँ उनकी जो 100% बनने वाली है? जब युवा को पढ़ना हो तो यंग रहना बहुत जरूरी है और माँ को सेटल करने के लिए बोल्ड होना। वी आर अ ब्लेंड ऑफ टुगेदर, वी नो हाउ टू ब्लेंड एथनिक इंडिया एंड द यंग इंडिया। जैसे सर जानते हैं इस गदर से अगली गदर को और गदर कैसे बच पाएगा। तो नमस्कार टू।